निजी अस्पताल को दी जा रही सरकारी भूमि के मामले में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस ने मामले को सरकार व जनता के बीच लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस सचिव राजीव किमटा, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य नवीन तन्व, अनुराग प्रार्थी व हीरा लाल विभू ने संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का कभी कांग्रेस लोगों का विरोध नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जनता के हितैषी रही है और जनता का काम करने में विश्वास करती है। लेकिन जहां तक रही पतलीकुल की बात, पतलीकुल जमीन की बात, वहां पे उन्होंने एक निजी संस्था, जो संस्था उनको इलेक्शन टाइम में फंडिंग करती थी, ढोल की चिमटे देती थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने अब्लाइज किया हुआ है। हम बोलते हैं हॉस्पिटल बने, लेकिन हॉस्पिटल क्यों प्राइवेट मिले? वहाँ पर अगर मंत्री जी आप सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी है, आपके काफ़ी अच्छे उनके साथ संबंध है, तो यहाँ पे कुल्लू ज़िला के अंदर आप मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलते? मेडिकल कॉलेज जगह पे आप मेडिकल कॉलेज खोले, एटलीस्ट उस मेडिकल कॉलेज खोलने से जहाँ लोगों को सुविधा मिलेगी, वहाँ हमारे यूथ है उनको सुविधा मिलेगी। और इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज हमारे तकरीबन 4 जिलों को कैटर करते हैं, चाहे कुल्लू है, चाहे आपका लाहौल स्पीति है, पांगी भरमौर है और मंडी का कुछ का एरिया, तो एटलीस्ट 4 जिलों को कैटर करेगा, उससे इतना ही फायदा नहीं होगा। और आप मजेदार बात बताऊँ आपको, शायद कुल्लू लाहौल स्पीति एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। शिमला में मेडिकल कॉलेज है, काकड़ा में मेडिकल कॉलेज है, बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज है, सिरमौर में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन कुल्लू ज़िला में मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम बोलते हैं ठीक है आप तो खोले, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोले, आपकी सरकार है, आप में दम है, तो मेडिकल कॉलेज, और कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन करेगी।